जो भी चाहिए बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। हमारे पास समय बहुत कम है वेदिका, साहिल को पंक्ति का हो जाने दो। माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। डरो बेटा, मामा है ना, छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ो मेरे बच्चों को। बस कुछ ही घंटों की मेहमान हो तुम इस दुनिया में, तो तुम्हारे आखिरी समय पर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं मैं। तुम्हें तुम्हारे पति की शक्ल दिखाना चाहते हैं, देखोगी? ये तुम्हारा पति साहिल, जो इस वक्त मंदिर में हमारी बिटिया के साथ साथ फेरे लेने जा रहा है। देखो देखो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। साहिल मेरा पति है, छोड़ो मुझे। कमाल है वेदिका, तुमको अभी भी लगता है कि तुम वहां जाकर ये शादी रोक सकती हो। भाई वाह, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। अरे तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए कि मौत से पहले हम तुमको ये सुकून दे रहे हैं कि तुम्हारे मरने के बाद साहिल अकेला नहीं है, हमारी बिटिया है उसके साथ, उसकी देखभाल करने के लिए, समझी? अब दो आशीर्वाद इन दोनों को, तुम दिल खोल के आशीर्वाद दो। चलो बाहर तुम लोग गेट पे खड़े हो जाओ, अंदर किसी को आने मत देना। बचाओ, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अम्मा प्लीज बचाओ। अंदर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पर हम अपनी बेटी के लिए इस हद तक जा सकते हैं? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, पर क्या करें, हम भी तो लाचार हैं। पर एक बात बताएं आपको, ये सब करके भी हमें अपराध का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि बल्कि खुशी हो रही है अंदर से, खुशी। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद साहिल के हृदय में वेदिका के लिए घृणा हमेशा के लिए निवास कर जाएगी, और फिर उसको मिलेगी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की लाश। और हाँ, साथ में वो खत भी मिलेगा जो वेदिका ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है, और फिर इस अनोखी प्रेम गाथा का दुख भरा अंत। पर ये सब करके भी हम वेदिका जी का भला ही कर रहे हैं ना, मौत के बाद भी उन्हें लोगों की सहानुभूति ही मिलेगी, लोग तो यही मानेंगे कि वो साहिल की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने बच्चों के साथ मौत को गले से लगा लिया।